दक्षिण कोरिया के येचेन स्थित आयोजित किए गए वैसे एशियन गेम में वडोदरा की लक्षिता ने 1500 मीटर की दौड़ में भारत को गोल्ड मेडल प्राप्त करवाने के बाद मांजरपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर उसका अभिवादन किया गया। दक्षिण कोरिया के येचेन स्थित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन पर भारत की लक्षिता संडेला ने महिलाओं की 1500 मीटर की दौड़ में भारत के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जहां पोडियम पर खड़े रहने के लिए 4 मिनट 24 सेकंड का श्रेष्ठ वक्त बताया था, जिसके साथ लक्षिता ने चैंपियनशिप में भारत को 5वां गोल्ड मेडल प्राप्त करवाया है, जिसके भागरूप मांजरपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस कर रही वैसी लक्षिता संडेला के लिए विशेष बहुमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मांजरपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित सीईओ रोहन रंधावा तथा रंधावा एकेडमी के कोच आरएस रंधावा द्वारा लक्षिता के माता पिता तथा लक्षिता का विशेष रूप से भव्य स्वागत सत्कार करते हुए उसका बहुमान करवाया था। आज मांजरपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खाते मिस लक्षिता सांदेला नु अमे स्वागत करियो। स्वागत करवानु कारण ए हतु के लक्षिताए अंडर 20 एशियन गेम मा इंडिया ने रिप्रेजेंट करी गोल्ड मेडल प्राप्त कर्यो छे। बधा ज प्लेयर नु इंडिया माटे रमवू एक सपनू होय छे अने इंडिया माटे रमीने गोल्ड मेडल लावू ए तो सपनाथी वधारे होय छे। लक्षिता जे छेल्ला 5 वर्षथी मांजरपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समां प्रेक्टिस करी रही छे, मांजरपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समां प्रेक्टिस करीने आजे इंडियाने रिप्रेजेंट करीने गोल्ड मेडल लई आई छे। लक्षिता जेवा घणा स्पोर्ट्स पर्सन छे मांजरपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समां अने समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समां जे उत्कृष्ट ट्रेनिंग થઈ રહ્યા છે અને એમના હાર્ડવર્ક નું રિઝલ્ટ શું છે એ આજે લક્ષિતાએ પ્રૂવ કર્યું છે કે ઇન્ડિયા માટે ગોલ્ડ મેડલ લઈ આવી છે। હું બધા જ પેરેન્ટ્સને એક અપીલ કરવા માંગુ છું કે એમના છોકરાઓને માંજલપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ, સમા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ મોકલો, જ્યાં આવી રીતની ટ્રેનિંગ થાય છે કે ઇન્ડિયા માટે ગોલ્ડ મેડલ લઈ આવે છે આ છોકરાઓ, એ બહુ પ્રાઉડનું આપણે મોમેન્ટ છે। એટલે બધા જ લોકો એ મારી વિનંતી છે કે એમના છોકરાઓને માંજલપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ, સમા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ મોકલે અને લક્ષિતા જેવું એક લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાની એમને ગાઈડન્સ આપે। Thank you.